नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। रामनगर में लॉरेंस बिश्नोई को अपना आइडल मानकर उसकी फोटो के साथ अपनी फोटो जोड़कर सोशल मीडिया में वायरल करने के साथ ही तमंचे से हवाई फायर करना दो युवकों को महंगा पड़ गया। बता दें कि इस मामले में कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का कड़ा संज्ञान लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से तमंचे भी बरामद किए हैं, साथ ही उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। दरअसल इस मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि टेढ़ा रोड निवासी मंजीत नाम के युवक द्वारा सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के साथ अपनी फोटो जोड़ने के साथ ही तमंचे से हवाई फायर करने का वीडियो जारी किया गया था, जिस पर पुलिस द्वारा मामले की जानकारी जुटाई गई तो इस मामले में पुलिस ने मंजीत और उसके साथी सौरभ सुयाल को गिरफ्तार करते हुए उनसे दो तमंचे बरामद किए हैं। वह इस मामले में कोतवाल ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्यवाही की गई है। देखिए, रामनगर में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति, उसमें युवक जो है तमंचे के साथ फोटो था, फिर उसने फायरिंग करते हुए और उसमें एक लॉरेंस बिश्नोई के साथ फोटो एक वीडियो में बना के वायरल किया गया था। एक अन्य फोटो सोशल मीडिया वायरल हो रहा था। हमारे द्वारा उनका संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की गई और दोनों युवकों को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा रहा है। रामनगर क्षेत्र में सोशल मीडिया पर तमंचों से फायरिंग करने का वीडियो जहां एक और जमकर वायरल हुआ, तो वहीं मामले में रामनगर पुलिस ने कड़ा संज्ञान लेते हुए इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो तमंचे और कारतूस बरामद कर उन्हें कोर्ट में भेजने की कार्रवाई की है। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि दो युवक सौरभ और मंजीत नाम के युवक द्वारा, जो मंजीत नाम का युवक है, इसको द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को उसने अपना आइडल मानते हुए उसकी फोटो भी शेयर की और तमंचे से लगातार फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में उसके एक साथी सौरभ को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि दोनों आरोपियों के कब्जे से 315 के तमंचे और कारतूस बरामद कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में अभियोग दर्ज करने के साथ ही कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31।